बीटीएमसी सचिव के आदेश पर लगा सूचना शिविर सदस्य ने हटवाया। सदस्य के खिलाफ हुए बोधगया ट्रेवल्स एसोसिएशन। बोधगया महाबोधि मंदिर पर बंध कारिणी समिति बीटीएमसी के सचिव महाश्वेता महारथी के आदेश पर पितृपक्ष मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सूचना शिविर लगाई गई थी। इस शिविर का उद्घाटन खुद सचिव महोदया एवं मंदिर के मुख्य पुजारी चालिंदा भंते एवं दीनानाथ भंते द्वारा किया गया, परंतु उद्घाटन के बाद जब बीटीएमसी सदस्य अरविंद सिंह को शिविर के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने सचिव महोदया पर सूचना शिविर को हटाने का आदेश बनाने लगे। कुछ देर बाद बीटीएमसी सचिव अपने हाथों द्वारा उद्घाटित शिविर को हटाने का आदेश दे दिया। शिविर हटाए जाने पर बोधगया ट्रेवल्स एसोसिएशन के सदस्यों ने बीटीएमसी सचिव अरविंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज दिन बुधवार को ट्रेवल्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। बोधगया ट्रेवल्स एसोसिएशन अध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि उद्घाटन के कुछ देर बाद ही बीटीएमसी सदस्य पहल पर सूचना शिविर को हटा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित दबाव डालने वाले सदस्य के खिलाफ हम लोग उचित कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। वहीं इस एसोसिएशन के सचिव राजीव रंजन ने बताया कि बीटीएमसी सदस्य के द्वारा पितृपक्ष मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के सहायता के लिए लगाए गए शिविर को हटवाया गया। बीटीएमसी सचिव के आदेश को एक सदस्य चुनौती दे देता है, यह अफसोस की बात है। सर, हम लोगों ने एक बोधगया ट्रेवल एसोसिएशन का एक काउंटर लगाने के लिए बीटीएमसी से हमने परमिशन लिया था 14th ऑफ दिस मंथ। उन्होंने वहाँ के सचिव महोदय ने उसका परमिशन हमें हमारे सचिव महोदय को दे दिया था। कल दिनांक 17 तारीख को हमने काउंटर भी वहाँ पे लगाया। इस काउंटर से हम लोग जो भी पितृपक्ष में यात्री आने वाले थे या जो भी पर्यटक आते जिनको सूचना चाहिए थी, इन्फॉर्मेशन चाहिए था या कहीं जाना था उसकी जानकारी चाहिए, रेलवे के टाइम टेबल की जानकारी चाहिए थी या कौन सा यहाँ पर घूमने का आसपास का जगह उसकी जानकारी चाहिए थी, ये सब की हॉस्पिटल के बारे में, रेलवे बस कहाँ क्या है, कितनी दूरी पे है, ये सब सूचना देना था। इसके लिए हमने भारत सरकार से भी मदद मांगा था कि आप भी कुछ अधिकारियों को कुछ सूचना का जो मटेरियल है वो हमको भेजिए ताकि हम लोग यहाँ पर तीर्थयात्रियों को उपलब्ध करा सकें। पिंडदान का समय क्या होता है, कौन से एरिया के अलग पंडा जी हैं, ये सब की भी जानकारी हमको देने के लिए ये काउंटर लगाना चाह रहे थे। साथ में जो यात्री आ रहे थे वहाँ पर मेडिकल कैंप भी बगल था, उसको बताते हैं कोई बीमार पड़ता तो वहाँ पर मेडिकल भी सरकारी भी है, प्राइवेट लोगों का भी ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पर लगा हुआ था। पेयजल पीने के पानी के लिए कितने रुपये वॉशरूम है, ये सब जानकारी देने के लिए हमने काउंटर लगाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको उसको सचिव महोदय के द्वारा कहा गया कि एक हमारे मेंबर ने आपत्ति जताई है, इसलिए आप अपना काउंटर वहाँ से हटा दीजिए, जिसके कारण हम लोग को वहाँ से हटा दें। पिता सचिव महोदय और जो ऑनरेबल वहाँ पर जो भी भिक्षु लोग थे उनके सामने ही हुआ था, पिता भी उन्होंने ही काटा था, लेकिन पिता करने के करीब 10-15-20 मिनट के अंदर ही सारा बंद करने की सूचना मिली। हम जो चेयरपर्सन हैं बीटीएमसी के जिलाधिकारी महोदय, हम उनको भेजेंगे और सरकार के जो भी हैं अधिकारी उनको भेजने के लिए हम लोग भी पर्यटन विभाग को भी भेजेंगे, सभी लोगों को भेजने की कभी हम लोग। मैं संदीप कुमार अध्यक्ष बोधगया ट्रेवल एसोसिएशन। मैं राजीव रंजन बोधगया ट्रेवल एसोसिएशन का सेक्रेटरी। दिनांक 14 तारीख को मैं बोधगया बीटीएमसी में गया था, वहाँ पे मैडम से परमिशन लेने के लिए कि हम लोग एक शिविर का आयोजन करना चाहते हैं जो यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा। जैसे यात्रा से संबंधित कोई भी जानकारी वो हमारे शिविर में आकर के ले सकते हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए जैसे ही हम लोग मैडम के पास गए तो मैडम ने कहा कि ठीक है, हम इसको अलाउ करते हैं, आप लोग वहाँ पे बीटीएमसी के पुराने गेट के पास में या फिर दीनानाथ बंते जी से डिस्कस करके आप अपना शिविर लगा सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अलाउ किया तो हम लोग दीनानाथ बंते जी के पास में भी गए, वहाँ जाकर उनसे बातचीत हुई हमारी। उन्होंने भी अलाउ किया कि ठीक है, ये एक जगह है, प्लेस है, 10x10 फीट स्पेस है, आप वहाँ पर अपना शिविर लगाइए और यात्रियों का सुविधाजनक देखते हुए उनका मदद कीजिए। हम लोगों ने इसकी तैयारी भी कर ली। 17 तारीख को सुबह में लगभग 11 बजे हमारा सेटअप लगभग तैयार हो चुका था। उसी दरमियान बंदे जी दीनानाथ बंदे थे, चालिंदा बंदे थे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम बीटीएमसी का भी एक काउंटर ओपन हो रहा है जिसका शुभारंभ मैडम के द्वारा किया जा रहा है, तो आप लोग भी जैसे भी हो जितनी जल्दी हो सके तो आप लोग भी साथ में इनसे ही शुभारंभ करवा लीजिए। हम लोग तुरंत शुभारंभ करवाए भी, उसका फोटो भी हमारे पास में है, वीडियो भी है। वो उसको देखते हुए उसको करने के जैसे ही कुछ देर के बाद वहाँ के जो मेंबर हैं अरविंद सिंह, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप इसकी परमिशन आपको किसने दी और किन के द्वारा ये आप काम कर रहे हैं और क्या क्या करना चाहते हैं इसमें।
मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया कि ये इसका परमिशन मैंने सचिव महोदय से लिया है, उन्होंने मुझे परमिशन दिया है और इस पे हम लोग यात्रियों को यात्रा से संबंधित जो भी जानकारी होगा वो हम करेंगे। प्लस साथ में हमारा एक और मोटो था कि जितनी जल्द हो सके हम उसमें पेयजल की भी व्यवस्था करें, क्योंकि गर्मी को देखते हुए यात्रियों को काफ़ी पानी वानी की ज़रूरत होती है, जो हम लोग व्यवस्था करते हैं। ये हमारा एसोसिएशन का संगठन का ये काम था, पर उसके कुछ देर के बाद हमारी अध्यक्ष महोदय, जो बीटीएमसी के अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने मुझे हमें कॉल किया और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप अपना सेट यहाँ से हटा लीजिए, हमारे मेंबर को ये पसंद नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप किसी बिजनेस मैन लोगों को यहाँ पर बिजनेस करने के लिए अथॉरिटी कर रही हैं, जो कि उचित नहीं है, परंतु हमारा एसोसिएशन है, हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रेवल एजेंट के द्वारा ये नहीं किया जा रहा था। तो वैसी परिस्थिति में एसोसिएशन को बिजनेस नहीं करता है, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी, परंतु उसके बावजूद भी हमारा सेटअप वहाँ से हटा दिया गया, जिसका हमें खेद है, हमें बहुत अफसोस है इस बात का कि हम जिस पर्पस से वहाँ पर सेटअप बैठाए थे यात्रियों की सुविधा के लिए, तो वो कुछ भी हम कर नहीं पा रहे हैं। हमारा नया संगठन तैयार हुआ है जिसका रजिस्ट्रेशन भी हम लोगों ने करवा लिया है और हमारा उद्देश्य था कि आने वाले यात्री को हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उनको सुविधा दे सकें, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में हमारे बोधगया के आसपास जो क्षेत्र है, राजकीय वाराणसी वगैरह वगैरह जितने भी संस्था जगह है, वहाँ भी लोग जाना चाहते हैं, जिसकी सुविधा हम लोग देना चाहते थे। परंतु अब अफसोस की बात है कि एक बीटीएमसी के मेंबर के द्वारा, अरविंद सिंह के द्वारा, ये नहीं होने दिया जा रहा है। और अफसोस की बात तो ये है कि एक मेंबर के कारण सचिव को, जो कहीं ना कहीं मेंबर से कहीं ऊपर का पद है, उनको उनके सामने शांत हो जाना, चुप हो जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास उनका अथॉरिटी है, उनके द्वारा दिया गया एक लेटर है जिसमें उन्होंने ये किया था, हमें अलाउ किया था कि आप वहाँ पर सेटअप बैठा सकते हैं। हम लोग यात्रा से संबंधी हर तरह का सुविधा वहाँ पर देना चाह रहे थे, जानकारी देना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे हमारे लगभग भारत के हर कोने से लोग आते हैं यहाँ पर पिंडदान करने के लिए, जो चाहते हैं कि यहाँ आसपास के क्षेत्रों को भी घूम लिया जाए। जैसे यहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, राजगीर नालंदा जगह है जो काफ़ी फेमस हो चुका है हमारे क्षेत्र में, बिहार में भी काफ़ी फेमस है, तो उसके लिए वो लोग चाहते थे कि हम लोग चाहते थे कि लोगों को इनकी जानकारी हो और लोग उस प्लेस को भी घूमें और देखें कि यहाँ बिहार में कितना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। परंतु ये सारा का सारा धराशाही हो गया, हमें इस बात का बहुत अफसोस है। राजीव रंजन, बोधगया ट्रेवल एसोसिएशन का सेक्रेटरी।